बीती शाम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव राजीव शुक्ला ने चंडीगढ़ कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चंडीगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के 10 जुलाई से शुरू होने जा रहे चुनाव के लिए भारतीय युवा कांग्रेस के जसप्रीत सिंह को चंडीगढ़ के लिए चुनाव आयुक्त के रूप में नामित किया। राजीव शुक्ला ने बताया वो खुद सारे संचालन को मॉनिटर करेंगे। युवा सदस्य अभियान जो कांग्रेस पार्टी के लिए नए नेतृत्व को तैयार करने के लिए एक नर्सरी के रूप में कार्य करता है। ये अभियान 20 जुलाई 2024 से शुरू होगा। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका की सराहना करते हुए शुक्ला ने कहा कि युवा हमेशा समाज में सामाजिक और आर्थिक बदलाव के ध्वजवाहक रहे हैं। और आप सब लोगों का स्वागत है। देरी के लिए माफी, क्योंकि 5 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस है, रास्ते में वक्त लगा वहाँ से जो आने में। एक तो उन्होंने जो बात की सही है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद पहली बार मैं आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ, तो सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना है और आपके माध्यम से चंडीगढ़ की जनता का उन्होंने कांग्रेस को विजय दिलाई है। माइक को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को विजय दिलाई, और आप सब लोगों का भी आभार है उसके लिए। हमारा अगला उद्देश्य यह है कि चंडीगढ़ में कांग्रेस को बहुत मजबूत कर देना संगठन को, और इतना संगठन मजबूत हो जाए कि चप्पे चप्पे पर हमारे लोग जो हैं रहें, उसकी तैयारी अब चल रही है। और उसी क्रम में यूथ कांग्रेस के भी चुनाव की प्रक्रिया की घोषणा आज होगी। यूथ कांग्रेस को हमारे मनोज निवाना जी ने काफ़ी मजबूत करके यहाँ पे रखा हुआ, लगातार 3 साल उन्होंने इस पर काफ़ी मेहनत की है। अब इधर क्या हो रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में एक हवा हर तरफ चल रही है, और इन चुनाव नतीजों के बाद जब से जो है वहाँ लंगड़ी सरकार आई है केंद्र में, तब से लोगों का एक विश्वास बढ़ा है कि भाई अब जो है ये कांग्रेस की वापसी हो सकती है, समूचे विपक्ष की वापसी हो सकती है, इंडिया गठबंधन की वापसी हो सकती है। तो बहुत से लोग अब कांग्रेस से जुड़ने के लिए जो है उत्सुक है। तो उसकी पहली शुरुआत हम यूथ कांग्रेस के चुनाव से करने की, जो युवा है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा नए युवाओं को कैसे जोड़ सकें। ये जो मेंबरशिप ड्राइव है इनका शुरू हो रहा है, जिसकी आज लॉन्चिंग है, वो एक लंबा मेंबरशिप ड्राइव चलेगा जिसके जरिए हम तमाम नए युवाओं को, नई प्रतिभाओं को यूथ कांग्रेस से जोड़ेंगे। उसके बाद फिर मेन जो बड़ी बड़ी कांग्रेस की बॉडी है उसमें फिर लोगों को ले आके ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर, हर तरफ उनको जो है जोड़ के हमें बड़ा व्यापक संगठन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी शुरुआत आज यूथ कांग्रेस के से हो रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो भी चलेगा 2-3 महीने तक ये प्रक्रिया इसकी, तो उसमें हम काफ़ी लोगों को जोड़ सकेंगे, और उसके बाद फिर चुनाव होके और नए व्यक्ति को वहाँ पे दिया जाएगा। देखिए, सेना की भर्ती को लेकर बहुत आक्रोश और रोष है पूरे देश में। आप देखते होंगे हजारों जवान सुबह से शाम तक दौड़ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, 20-20 किलोमीटर दौड़ते अपने आप को तैयार कर रहे हैं, और उनकी भर्ती ना हुई बहुत दुखद होता। खासतौर से अग्निवीर जो कैसी है कि उनका करियर तबाह हो जाता, इसलिए हम लोग अग्निवीर का विरोध कर रहे हैं और रेगुलर भर्ती की मांग कर रहे हैं। सेना में जो भी खाली पद पड़े हैं उन पर रेगुलर भर्ती की जाए, पुरानी प्रक्रिया के आधार पर भर्ती किया जाए, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो निश्चित रूप से वो लागू किया जाए। मैं देखते वो यही साबित करता है कि इनका ये दावा खोखला साबित हुआ कि जो है हमने सब कश्मीर एकदम ठीक कर दिया। तो कोई भी चीज भाजपा सरकार की, केंद्र सरकार की, अब तो खैर एनडीए बोलने लगे, पहले तो बोलती नहीं थी, भाजपा भी नहीं बोला जाता था, तो अब तो एनडीए का नाम लिया जाने लगा है। एनडीए से पहले तो एनडीए नाम ही भूल गए थे, तो वो सही साबित नहीं हो रहा जो भी उन्होंने वायदे किए। आज कश्मीर के बारे में उनका वायदा जो है फेल हो रहा है।